अनुच्छेद 19 का क्लॉज वन में जो है छह प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लॉज वन में छह प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वो छह प्रकार की स्वतंत्रताओं को जो है ए बी सी डी इस प्रकार से जो है बताया गया है। जैसे 19 के क्लॉज वन का सब क्लॉज ए ये बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक माने बोलने और अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। यह है आर्टिकल 19 का जो क्लॉज वन है का सब क्लॉज ए। अनुच्छेद 19 का खंड एक का उपखंड ए में जो है जो स्वतंत्रता दी गई है वो है वाक और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लॉज बी, सब क्लॉज बी अनुच्छेद 19 का खंड एक का सब क्लॉज ए में यह है, सब क्लॉज बी में है सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की। हाँ, बिना अस्त्र शस्त्र के, जिसको हम कहते हैं निरायुध, बिना अस्त्र शस्त्र के, विदाउट आर्म अर्थात निरायुध, आयुध मान होता है अस्त्र शस्त्र, निरायुध बिना अस्त्र शस्त्र के और शांति पूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। निरायुध निरायुध माने विदाउट आर्म्स, निरायुध निरायुध और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। राइट ऑफ ए फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म एंड पीसेबली, फ्रीडम ऑफ पीसफुल एंड विदाउट आर्म असेंबली, राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म। ठीक, राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। तीसरा है संघ, संघ यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन डी है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र सर्वत्र संचरण माने आना जाना, मूवमेंट, संचरण की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ या राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। निवास करने
भारत के किसी भी भाग में, भारत के किसी भी भाग में निवास और बस जाने की स्वतंत्रता। निवास का अर्थ ये होता है जैसे कि आप समय यहां पर निवास कर रही हैं काकादेव में, ठीक, लेकिन आप इसको थोड़ी कहेंगे आप यहां बस गई हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आप बस भी जाएं, ठीक, भविष्य का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अभी तो आप नहीं कहेंगे कि आप यहां पर जो है आप बस गई हैं। हाँ, अभी जरूर कहेंगे आप यहां पर निवास कर रही हैं। जो बसना है उसमें जो है स्थायित्व का जो है चरित्र है, और निवास में जो है अस्थायित्व का चरित्र है। हम टेम्पोरली कहीं पर निवास कर सकते हैं, लेकिन जब हम वहां पर परमानेंटली जब निवास करते हैं तो कहते हैं बस गए हम। एफ, संपत्ति का अधिकार। अब ये जो है डिलीट कर दिया गया है, कब? 44th अमेंडमेंट 1978। तो अब ये चीज जो है डिलीट हो गई है, ठीक। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटल, या राइट टू रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, या फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। जी, कोई भी व्यक्ति उपजीविका पेशा व्यापार आदि करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन प्रोफेशन एक्सेट्रा, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। कोई भी व्यक्ति उपजीविका पेशा व्यापार आदि करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ पेशेंस, पेशेंट नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस। तो आज अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मगर मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, मगर जो ये एफ नंबर की जो स्वतंत्रता थी वो जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट कर दी गई। जो स्वतंत्रता थी संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति को, किसी संपत्ति को अर्जित करना, उसको धारण करना और उसको अपने मनमाने तरीके से जो है अपने स्वेच्छा से उसको जो है डिस्पोज करना, उसका निपटारा करना, माने किसी को ट्रांसफर कर देना या किसी को बेच देना, किसी को गिफ्ट कर देना। संपत्ति मेरी है, उसको हम चाहे जो कुछ करें, संपत्ति को हम अर्जित कर सकते हैं, जो अर्जित की उसको हम अपने पास बना रख सकते हैं, अपने पास से उसको हम हटा सकते हैं। ये थी। तो आज ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार अब नहीं रखा गया है।
अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। अब ये जो है यहां से हटा के भाग 12 में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। भाग संविधान का जो भाग 12 है वो वित्त संविदा इनके बारे में बात करता है, यहां उठा के उसको भाग 12 में जो है आर्टिकल 300A में जो है इसको रखा गया है। अब संपत्ति का अधिकार जो है हमारा एक जो है लीगल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट नॉट ए फंडामेंटल राइट। जो लीगल राइट होते हैं उसमें हम संसद में कानून बना के उसको हम उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को संसद में कानून बना के आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। दोनों में अंतर है, संसद में कानून बना के किसी चीज को करना और संविधान में संशोधन करना दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया आसान है कि लोकसभा में आपका सामान्य बहुमत है, सिंपल मेजोरिटी है, आपने प्रस्ताव पारित करा लिया, प्रस्ताव राज्यसभा गया, राज्यसभा में आपका सामान्य बहुमत है, वहां से प्रस्ताव पारित हो गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए, कानून बन गया। कानून बनने की प्रक्रिया बहुत आसान है। अब सामान्य बहुमत का क्या अर्थ है, व्हाट इज मीन बाय सिंपल मेजोरिटी, उसका अर्थ यह है कि मान लीजिए लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 545 है, तो लोकसभा का सदन में कार्रवाई तब शुरू की जाएगी जब कम से कम जो है 1/10 सदस्य वहां उपस्थित हो, अन्यथा लोकसभा में कार्रवाई नहीं आरंभ की जाएगी। इसका 1/10 कितना होगा, होगा 54.5 माने 55। इसका अर्थ यह हो गया कि अगर किसी दिन लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य हैं तो वहां कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। अब सोचो लोकसभा में 55 सदस्य हैं, हमें कोई कानून बनाना है, कानून बनाने के लिए लोकसभा में आधे से ज्यादा उसके फेवर माना चाहिए, 55 का आधा कितना होगा, 23, 26, 26 नहीं 27, 28, 28 होगा। तो अगर लोकसभा में सिर्फ 55 लोग आए हैं तो कार्रवाई आरंभ हो जाएगी, क्योंकि 1/10 आ गए। कानून बनाने के लिए हमको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी करती है आधे से ज्यादा। तो अगर 28 लोग, 55 मिलने में से 28 लोग किसी प्रस्ताव के पक्ष में आ गए, प्रस्ताव पारित हो गया, कितनी आसानी से पारित हो गया। देखिए अब प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 245, इसका 1/10 कितना होगा, 25। तो अगर राज्यसभा में 25 सदस्य भी उपस्थित हैं तो राज्यसभा की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। अब प्रस्ताव पारित करेंगे आधे से ज्यादा उसके फेवर में होना चाहिए, अर्थात 13 × 26, अगर 13 लोग फेवर में आ गए प्रस्ताव पारित हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो गया, कितनी आसानी से राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो गया। अब वो विधेयक जो है, क्योंकि दो सदन से पारित हो चुका है, अब वो विधेयक, वो बिल जो है अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, राष्ट्रपति हमेशा सरकार का ही आदमी होता है, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, वो बिल जो है एक्ट बन गया, एक अधिनियम बन गया। कितनी आसानी से देखिए संसद में कानून को बनाया जा सकता है। तो जो चीज हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है उसको कितनी आसान तरीके से आप संसद में कानून बना के संशोधित कर सकते हो, अगर वो हमारा लीगल राइट है, अगर वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देखो जो लीगल राइट होता है, लीगल राइट में जो है जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका मनमाने तरीके से उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, मगर लेजिस्लेचर विधायिका माने संसद उसको बहुत आराम से उसमें फेरबदल कर सकती है। जो लीगल राइट है, तो आज संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, लीगल राइट होने के कारण कार्यपालिका से उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव से, द एग्जीक्यूटिव जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका से लीगल राइट होने के कारण उसको संरक्षण मिला। कार्यपालिका मनमाने तरीके से संपत्ति के अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, मगर संसद बहुत आराम से उसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। अभी हमने बताया कि कानून बनाने की प्रक्रिया कितनी आसान होती है, अभी दिखाया कि नहीं दिखाया कि बस साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें कोई परिवर्तन करना है संसद नहीं कर सकती, उसके लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान का संशोधन एक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक, तो आज संपत्ति का अधिकार
हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आप संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, अर्थात लीगल राइट होने का कार्यपालिका से तो उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कार्यपालिका इसके साथ मनमाना आचरण नहीं कर सकती, मगर संसद में कानून बना के इसमें जो चाहो परिवर्तन कर सकते हो आप। मगर जब ये फंडामेंटल राइट्स था तो संसद कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके लिए संविधान का संशोधन करना पड़ता। फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी परिवर्तन करना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उस संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। सार इतना है कि आज अनुच्छेद 19 में हमको सिर्फ 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं उपलब्ध है, जबकि मूल संविधान में इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 7 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। ठीक, ये बात है। जो एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। अब उसको यहां से उठाकर हमने संविधान के भाग 12 में रखा है, अनुच्छेद 300 का में रखा है, और जो है अब वो हमारा एक लीगल राइट है, अब वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो पर्यायवाची है, अंग्रेजी में उसको लीगल कहेंगे। दोनों सही हैं। अब इसमें कहीं कोई कोई पत्रिका क्या जांच रही है, आपने बताया कहीं पर तो उसमें दोनों विकल्प नहीं होते होंगे ना? दिखाइएगा दिखाइएगा तो हमें दिखाना उसको। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि आप जो कुछ देख रहे हो आप उस चीज को नहीं देख पा रहे हो, वो हम देखेंगे तो हम उसको देख लेंगे। नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, वैधानिक समस्या है, वैधानिक और कानूनी में उसको अंग्रेजी में क्या लिखा गया है ये देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो पेपर होता है मूल रूप से अंग्रेजी में बनाया जाता है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है, तो जो कुछ अंग्रेजी में है वहां का आंसर सही होता है कि अंग्रेजी में उसके लिए क्या अनुवाद रखा गया है। ठीक, तो जब आप हमको दिखाओगे तो उसको देख के हम आपको क्लियर कर देंगे। उसे ये नॉर्मली जो है ये जो है वो है, अब उसमें वैधानिक अगर उन्होंने सही किया है तो उसको हम उसको फिर उसको हम उस तरीके से जस्टिफाई कर देंगे कि वैधानिक क्यों सही है कानूनी क्यों गलत है। मगर इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसका इंग्लिश वर्जन मेरे सामने होना चाहिए। अगर आप कोई पत्रिका उठा लाए और ओरिजिनल पेपर नहीं लाए तो पत्रिका क्या है, हिंदी में ही छापी गई है, उसने हिंदी का वर्जन ही छापा है, अंग्रेजी का वर्जन तो छापा नहीं है, तो डाउट बना रह सकता है। अब ऐसे में अगर उन्होंने आयोग ने वैधानिक को ही सही माना है तो आप मान लीजिए फिर वैधानिक ही सही होगा। ठीक, सामान्य तौर पर कानूनी और वैधानिक सब पर्यायवाची हैं। अंग्रेजी में कहेंगे उसको लीगल, एक को कहेंगे स्टेट्यूटरी। ठीक, तो ये पर्यायवाची होते हैं। मगर अगर आप आयोग का जो है झुकाव स्टेट्यूटरी वर्ड पर ही है तो हम उसको स्टेट्यूटरी मान के उसी को हम जब दोनों जब कानूनी और वैधानिक दोनों में सामने हो तो हम स्टेट्यूटरी को लीगल के बजाय स्टेट्यूटरी विकल्प को चयन करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से चीजों को जस्टिफाई किया जाता है, क्योंकि आयोग के दिमाग क्या चल रहा है, विकल्पों से तय होता है, विकल्पों से तय होता है कि आयोग किस चीज पर जोर देना चाहता है। हो सकता है वो सिर्फ शब्द की टेक्निकलिटी पर जोर देना चाह रहा है, और वहां पर अगर लीगल भी है स्टेट्यूटरी भी है तो आयोग का सारा लीगल प्रॉब्लम होकर स्टेट्यूटरी पर होता है। दोनों थोड़ा सा अंतर होता है। स्टेट्यूटरी माने जिस चीज को संसद के द्वारा मान्यता मिली हुई है, जिसको संसद ने कानून बना के स्थापित कर दिया, वो स्टेट्यूटरी है। लीगल बहुत सारी चीजें होती है, लीगल भी होती है, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे वो लीगल है, कोई हम वैध काम कर रहे हैं वो लीगल है। ठीक, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ये मेरा प्रोफेशन क्या है, लीगल है, इलीगल थोड़ी है। तो लीगल का जो है एक बहुत एक मोटा एक समान अर्थ होता है, ब्रॉडर अर्थ होता है। स्टेट्यूटरी माने कानून बनाकर उस चीज का निर्धारित कर दिया गया है बकायदे। मैं यहां पढ़ाऊंगा कैसा कोई कानून बना है कि मिस्टर एक्स जो है यहां पर आकर यहां पर इस क्लास को लेंगे, कोई कानून में तो ऐसा नहीं लिखा है,
तो हम जो काम करें तो क्या ये गैर कानूनी है? नहीं, कानूनी है, इलीगल नहीं है, लीगल है ये, ठीक। तो जब इस प्रकार का कोई विवाद होता है तो इसमें उसको फिर आयोग की, आयोग किस पर जोर देना चाह रहा है उसको विकल्पों के अनुसार तय किया जाता है कि आयोग ने क्या आंसर को वरीयता दी है, ठीक। और इसमें इस चीज का बहुत महत्व होता है कि हम उसके अंग्रेजी के वर्जन को भी जानें। अब बात समझ आ गई, एकदम क्लियर है, तय होता है। हमेशा मैंने आपसे कहा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप कोई, आप जब प्रश्न पूछोगे तो कई बार आपसे गलती हो जाएगी, कई बार आप प्रश्न को ही गलत पूछ लोगे। जैसा एक दिन आपने पूछा था कि सकारात्मक है, अर्ध सकारात्मक है, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं, प्रश्न था, प्रश्न ये नहीं था, ये आप उसकी अनुवाद कर रही, ये आप उसको उस प्रकार से एक्सप्रेस करें कि वो संविधान सकारात्मक है, अर्ध सकारात्मक है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन फिर भी इसलिए अगर उस चीज को आप ला के दिखाओगे, हम बताएंगे देखो ये सकारात्मक नहीं, ये लिखा हुआ है, क्योंकि हमने तो ऐसा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ कई बार फेस किया है कि सर ऐसा है, ऐसा ऐसा, हमने कहा जाके पढ़ना ऐसा लिखा होगा, पूरा उनको क्लियर कर दिया, फिर जाके उन्होंने जब पढ़ा बोले हाँ सर आपने सही कहा था, ऐसा ही लिखा जैसा आप कह रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें होती है, तो हमने तो इस चीज को खुद फेस किया है। हम जानते हैं कि आप जो कुछ बोल रहे हो उसमें सच्चाई कितनी है, आप उसको गलत समझ रहे हो और गलत समझ के उसमें अड़े हुए हो कि नहीं ऐसा है, ऐसा दिया गया है। आइए, तो ये इस प्रकार की छह स्वतंत्रताएं जो है दी गई हैं, ठीक। तो अब लिखिए क्या लिखा है, पिछले क्लास में ये दिखा दीजिए। हाँ, देखिए अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 इस प्रकार से लिखेंगे, अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1, क्लॉज 1 को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में छह प्रकार की निम्नलिखित स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, क्लॉज 1 को इस प्रकार से ब्रैकेट में बगल में लिख देंगे, ठीक है। 19 लिखा, ब्रैकेट में 1 लिख दिया, इसको कहेंगे आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, अनुच्छेद 19 का खंड 1, क्लॉज को हिंदी में कहते हैं खंड, अनुच्छेद 19 का खंड 1। आप देखो किस प्रकार से आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में निम्नलिखित स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जन निम्नलिखित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, निम्नलिखित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और इसको पूरा नोट कीजिए, आप इसको पूरा नोट कीजिए। अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 में निम्नलिखित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन सभी 6 स्वतंत्रताओं को आप नोट कीजिए, इसी तरीके से नोट कीजिए करेंगे। एफ एफ को लिखेंगे, एफ को संपत्ति का अधिकार लिखेंगे, लिखने के बाद जो यहां ब्रैकेट लिखेंगे डिलीटेड 44th अमेंडमेंट 1978, उसको पूरा काटेंगे इस तरीके से, काट दिया, तो ये नोट गया, नोट हो गया, ये है मिटा दे इसको, इसको मिटा दे। चलिए आगे लिखिए, अब आगे लिखिए, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को चवालीसवें संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को चवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की सूची से, मूल अधिकार की सूची से हटा लिया गया है, मूल अधिकार की सूची से हटा लिया गया है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार
वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन संविधान? भारतीय संविधान की बात हो रही है, संविधान भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का ऐसे लिखोगे के अनुच्छेद 300 का या 300 ए, यो कैपिटल लेटर में 300 ए का लिख दे, मगर उसको ब्रैकेट में नहीं बंद करेंगे, ठीक है, 300 का या अंग्रेजी में 300 ए अनुच्छेद 300 ए या 300 का, देखिए याद रखिए, जब कोई एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है तो उसको ब्रैकेट में नोट करते हैं, ठीक, और जो है उसको कैपिटल लेटर में रखते हैं। देखिए ये भी तो है एबीसीडी, जो छोटे छोटे हैं, ये जो भाग है अनुच्छेद 19 के खंड एक के सब भाग हैं, वो अनुच्छेद 300 का ये पृथक एक अनुच्छेद है। ये सब अनुच्छेद 19 के ही जो है जो पार्ट है, ठीक, हाँ, के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत है। सेंटेंस बन गया पूरा। ये एग्जाम आपसे खूब पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अब मूल अधिकार नहीं है, या संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। ये चीज संपत्ति के अधिकार के बारे में एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, या संपत्ति का अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 12 में है, किस अनुच्छेद में है, भाग 12 में जो अनुच्छेद है 300 ए के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब क्या है संपत्ति का अधिकार? संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अब एक जो है वैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अब एक संवैधानिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये हमारा, बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दो प्रकार के हैं, एक तो वो जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक वो जो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, ऐसा प्रोटेक्शन दिया गया है कि संसद इसमें अपने मन से संशोधन नहीं कर सकती, बल्कि इस पर संविधान की संशोधन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो एक कठिन प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। दो प्रकार से संसद काम करती है, एक तो संविधान का संशोधन करती है, ये एक अलग विषय है, एक सामान्य कानून ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर करती है, एक सामान्य लेजिस्लेशन करती है, एक सामान्य कानून बनाती है, एक अलग प्रक्रिया है। तो डे टू डे हम जो कुछ देखते हैं, संसद जो है हमारे लिए कानून बना रही है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद जो है हमारे लिए संविधान का संशोधन भी करती है, वो एक कठिन प्रक्रिया है। बता दो, फोन आ रहा कोई आनंद सिंह का, बता दो सबसे, आनंद सिंह फोन आ रहा है, बता दिया करें तो फोन ना किया करें। यहां तक बात समझ आ गई? अब बात जो है, अब जो है एक्सप्लेन करते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, ठीक। पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया भी था कि किस प्रकार से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमारे संविधानवाद का मूल है, किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र की नींव है, लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है कि हमको जो है अच्छा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। ये हमने लिखा दिया था पिछले क्लास में कि जो है नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 19 जो है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, दूसरा अनुच्छेद 19 हमको सिर्फ सरकार के विरुद्ध उपलब्ध है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर हमारे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताओं का हनन करता है तो ये मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये मूल अधिकार तब बनता है जब हमको राज्य के विरुद्ध जो है जब कोई कार्रवाई होती है, राज्य ऐसा नहीं करेगा। कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर हमारा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है तो ये हमारे मूल अधिकार का हनन नहीं है, अन्य अधिकार का हनन हो सकता है मगर मूल अधिकार का हनन नहीं होगा, और इसके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। हम इसके लिए जो है जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि निचली अदालत,
उसके बाद उससे ऊपर की अदालत, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अगर सरकार अर्थात राज्य के द्वारा हमारे मूल अधिकार का हनन होता है, क्योंकि हमको राज्य के विरुद्ध दिया गया है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो देखिए, नोट कीजिए, हेडिंग है, अब हेडिंग है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हेडिंग डालिए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को राज्य के विरुद्ध वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगेंस्ट द स्टेट। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, ठीक। जब कहते हैं वाक, तो वाक माने जो है कि बोलने का अधिकार है, और अभिव्यक्त, अभिव्यक्त माने अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। आप अपने को किसी प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हो, संकेत के माध्यम से, ठीक, कोई पिक्चर बनाकर, कोई कार्टून बनाकर, कुछ लिखकर, छापकर, माने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई फिल्म बनाकर, कोई नुक्कड़ नाटक करके, जितने तरीके संभव हो सकते हैं आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हो। जो ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन अभिव्यक्त, ये बड़ा व्यापक शब्द है। वाक तो सीमित शब्द है कि मुंह से बोलना, लेकिन आप अपने आप उसे बोल कर ही अभिव्यक्त नहीं करते हो। इसके अलावा कई बार तो आप बिना बोले अपने आप को अभिव्यक्त कर देते हो, बिना बोले आपका साइलेंस, आपकी चुप्पी कई बार बहुत सारी बातें कह जाता है जो आप अपने शब्दों से नहीं कह सकते हो, ठीक। तो अभिव्यक्ति में जो है एक व्यापक जो है भाव छुपा हुआ है। इसीलिए जो है जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं भारत हमारे संविधान के, एक है अनुच्छेद 14, एक है अनुच्छेद 19, इनमें इतनी व्यापकता छिपी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इतने सारे प्रोनाउंसमेंट दिए हैं, इतने सारे निर्णय दिए हैं, जिसके कारण ये आर्टिकल बहुत व्यापक हो गया है। संविधान में पढ़ोगे तो उसमें पता लिखा है कि अनुच्छेद 14 क्या है, भारत की प्रत्येक व्यक्ति को कानून के सामने समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, बस इतना है। मगर इसमें इतनी व्यापकता छिपी हुई है। इसी प्रकार से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बस आर्टिकल इतने कह रहा है, मगर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इतनी व्यापकता छिपी हुई है कि समय समय पर कितनी बार इस मुद्दे पर जो है डिस्कस किया गया, डिबेट की गई, उसमें बहुत सारे निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट के। तो बहुत व्यापक जो है ये अनुच्छेद बन गया है, और सिर्फ व्यापक नहीं बन गया है, भारतीय संविधान के जो तीन अनुच्छेद जो गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, उसमें से एक है अनुच्छेद 14, गोल्डन ट्रायंगल का दूसरा अनुच्छेद है आर्टिकल 19, और गोल्डन ट्रायंगल का तीसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। ये भी एक लाइन का है अनुच्छेद 21 कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और देह की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, बस इतना है। लेकिन इसमें बड़ी व्यापकता है। तो आज उसी गोल्डन ट्रायंगल का एक अनुच्छेद 19 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक। तो लिखिए, इसके अंतर्गत नए पैरा से इसके अंतर्गत नागरिक
ना सिर्फ बोलकर माने बाय वर्ड ऑफ माउथ, ना सिर्फ बोलकर बल्कि 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 संकेतों माने साइंस, इशारे, संकेतों, लेखन लेखन माने राइटिंग, लेखन, प्रिंटिंग माने छपाई, प्रिंटिंग प्रिंटिंग, चित्र चित्र, छपाई अलग है चित्र अलग है, आपको चित्र बना रहे हो, छपाई माने आप लिख रहे हो छाप कर, आपकी किताबों में जो जो कुछ लिखा हुआ क्या वो प्रिंटेड है, वो चित्र द्वारा, चित्र, कार्टून कार्टून, नुक्कड़ नाटक यानी नाटक करते हैं सड़क के किनारे खड़े होकर, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से अभिव्यक्तियां, आदि अभिव्यक्तियां तो बहुत व्यापक हैं, आदि के माध्यम से अभिव्यक्तियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए पैरा से तो बताओ ना, हो गया बार बार आप मेरी ओर देख रही हैं, हमको लग रहा है कि जो है कहां कंफ्यूजन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में निम्नलिखित को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया है, निम्नलिखित को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको बड़ा व्यापक बना दिया है कि ये भी सब कुछ इसके अंतर्गत आ रहा है। देखिए, राइट टू साइलेंस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने के अधिकार में, बोलने के स्वतंत्रता में ना बोलने का अधिकार भी शामिल है। हम नहीं बोलेंगे इसका मतलब यह है कि देखिए, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने केरल में, जो है जो जब राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था या राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत कुछ था, तो वहां पर जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले स्टूडेंट्स थे वो चुपचाप यूं खड़े थे, ठीक, वो नहीं गा रहे थे क्योंकि उनका ये मानना था कि इससे ये अन इस्लामिक है, उसमें मूर्ति पूजा का, अक्सर मूर्ति पूजा का निषेध होता है इस्लाम में, ठीक, तो मूर्ति पूजा उनको अन इस्लामिक मानते हैं। जो हमारे राष्ट्रगीत है इसमें हम कहते हैं भारत माँ, भारत को एक माता मानकर, भारत को एक जो है देवी मानकर उसकी उपासना की जाती है, तो उसको वो अन इस्लामिक मानते हैं, तो उसको नहीं बोलना चाहते हैं। अक्सर बात को लेकर झगड़ा होता है। एक बार जो है असदुद्दीन ओवैसी, इनका नाम सुना आप लोगों ने, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी कुछ नाम, इसमें हम नाम नहीं बोल पा रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादे मुस्लिमीन, इस प्रकार से इनका कुछ पार्टी है, हैदराबाद के हैं, नाम सुना इनका, इनकी पार्टी का एक बार हमने टीवी में देखा था, इनकी पार्टी का, इनकी आनंद सिंह जो पीछे पड़े हुए हैं, सर गायब हो जाते हैं, उनको बताओ कि जो है समय बताए कि ये क्लास में जो मोबाइल लगा हुआ है इसको फोन ना किया करें, नहीं है क्या, दौड़ने मत जाओ उन्हें, किसी का फोन काटना बार बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही जो जिद कर रहा है, हाँ काम होगा तो दूसरे फोन पर, दूसरे नंबर पर ट्राई करें ना। तो एक बार हमने टीवी में, न्यूज में देखा था
तो शिवसेना का जो विधायक था वो ओवैसी के विधायक से, महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में ओवैसी के भी विधायक, तो शिवसेना के विधायक ओवैसी के विधायक को ललकार रहा था, कहता वंदे मातरम वंदे मातरम। तो ओवैसी का विधायक उसका जवाब बड़े बेहतर तरीके से दे रहा था, कह रहा था हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा उसने उदाहरण दिया, ओवैसी के विधायक ने शिवसेना के विधायक को अच्छा उदाहरण दिया। वो कहता वंदे मातरम, वो वंदे मातरम नहीं कह रहा था, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते। बात समझ आ रही है? तो वो उसको अन इस्लामिक मानते हैं। तो स्टूडेंट जो चुपचाप में खड़े हुए थे, तो वो मामला कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कि वो चुपचाप यू खड़े हुए हैं सर झुकाए, माने पूरा सम्मान दे रहे हैं मगर बोल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अन इस्लामिक समझते हैं इस बात को, उसमें मूर्ति पूजा का निषेध है, मूर्ति पूजा की नहीं जाती है। तो अभिव्यक्ति की आजादी में चुप रहने का भी अधिकार है, आप किसी से जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते। अगर हमने उसको बोलने का अधिकार दिया है, तो बोलने के अधिकार में उसको इस बात का भी अधिकार है कि हम नहीं बोलते, हम चुप रहेंगे। और ऐसा देश में कोई कानून भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा देश का कोई कानून भी नहीं है कि जो राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान को गाने को अनिवार्य बनाए कि आपको गाना ही होगा। और फिर संविधान का अनुच्छेद 25 हमको जो है उपासना की स्वतंत्रता देता है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और हर व्यक्ति को अपने तरीके से अपने धर्म को मानने का अधिकार है। हम एक सेकुलर स्टेट हैं और सेकुलर स्टेट हमको अपने पूजा पद्धति अपने कर्मकांड को मानने की स्वतंत्रता देता है। ठीक, तो इसलिए अगर वो चुपचाप जो है खड़े हुए हैं तो हर तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये चीज है, ये बात है कि जो है अभिव्यक्ति की आजादी में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। समझा कि वो लिखा है राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार है। चुप रहने का अधिकार है, हाँ लिखा नहीं क्या अभी? चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। राष्ट्रगान इसमें 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 देश को भारत को मां मान के उसकी उपासना की गई, भारत को मां मान के उसकी महिमा गाई गई है। वंदे मातरम माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम माँ तुझे सलाम। ठीक, हाँ, हिंदी में उसको वंदा, हम उसकी वंदना कर रहे हैं, हिंदी में कहते वंदे मातरम, हम उसकी वंदना कर रहे हैं माँ की। ठीक, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो है इस एंगल से उन्होंने कहा कि जो है यह अनइस्लामिक है। आप कहने को तो नहीं कह सकते कि अगर आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते तो आप अपने घरों में, हमने देखा है कि आप वहां पर क्यों जो है मक्का की और मदीना की फोटो लगा रहते हो, यह भी मूर्ति पूजा है, यह भी मूर्ति पूजा है। हाँ, मैं मूर्ति पूजा क्या, किसी प्रतीक की उपासना करना यही मूर्ति पूजा है। चाहे उसको आप हनुमान बना के पूजो, उसको आप गणेश बना के हाथी बना के उसको पूजो, या कोई वहां प्रतीक बना के पूजो। ठीक, मूर्ति पूजा तो वो भी है, तो वो एक डिबेट अलग है, हमको उस डिबेट में नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? फिर देखिए दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक मौके पर कहा कि जो है जानने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी में, बोलने की आजादी में जानने का अधिकार भी शामिल है। को आप कोई चीज कब बोलोगे, जब आपके पास नॉलेज होगी, और नॉलेज कब होगी, जब आप प्रश्न करोगे, आप पूछोगे, आप जानोगे, तभी तो आप नॉलेज आप अभिव्यक्त करोगे। अगर आपको हम जानने नहीं दे रहे हैं तो आप अपने आप को कैसे बोल पाओगे, कैसे अभिव्यक्त कर पाओगे? तो आप सही, आप अवेयर रहो, तभी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी जो है मायने रखती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी में जानने का अधिकार, राइट टू नो। उसी के आधार पर 2005 में RTI एक्ट आया, सूचना का अधिकार, हमें जानने का अधिकार होना चाहिए। जब हम जानेंगे तभी हम सही बोल पाएंगे, नहीं तो आप अनर्गल बोलोगे, आप सही कब बोल पाओगे? तो आप अनर्गल बोल रहे हो उसका कोई मायने नहीं। आप रेलिवेंट बोलो, आप सही बोलो, इसके लिए पहले जरूरी है कि आप पहले अवेयर हो, आप जानो,
तो अभिव्यक्ति की आजादी अधूरी है, अभिव्यक्ति की आजादी अपूर्ण है जब तक कि आपको जानने का अधिकार ना दिया जाए, जब तक कि आपको सूचना का अधिकार ना दिया जाए। और जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, यह हमारे लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र में नागरिक जो है सरकार से पूछता कि आप बताइए सरकारी धन से आप जी प्रोजेक्ट चला रहे उसमें कितना कहां खर्चा आया, कितना काम हुआ, कितना काम अभी नहीं हुआ, किस प्रकार से सरकार हमारे पैसे से चल रही है। तो हमको जानने का अधिकार है लोकतंत्र में कि सरकार क्या वास्तव में कर रही है पर्दे के पीछे, क्या की योजना है, प्रोजेक्ट कहां तक सफल हुआ, प्रोजेक्ट सफल क्यों नहीं हुआ, कितना धन खर्च हो गया, उसका क्या परिणाम आया, आप हमें बताइए। राइट इंफॉर्मेशन RTI, कोई चीज असीमित नहीं है, हर चीज सीमित होती है तभी व्यवस्था बनती है। ठीक, तो जानने का अधिकार, तो इसलिए कह रहे कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो हमारे लोकतंत्र को देखिए किस प्रकार से सुदृढ़ कर रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र, तो अभिव्यक्ति की आजादी किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र का आधार बन रही है इसको आप देखिए कि इसमें जानने का अधिकार है, इसमें सूचना का अधिकार है। लिखिए, लिख लिया, जानने का अधिकार, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार। ये क्या है, ये सारे पॉइंट जो है आपके लोकतंत्र की ओर सारा कर रहा है, किस प्रकार से लोकतंत्र को इससे सहायता मिलती है, ताकत मिलती है। अन्यथा आप अगर जानोगे नहीं, अगर आप सरकार से प्रश्न नहीं करोगे तो वहां लोकतंत्र नहीं है। सरकार जहां लोकतंत्र नहीं होता है वहां पर नागरिक, वहां की जनता सरकार से पूछ नहीं सकती किसी बात को, और पूछती भी है सरकार बताती नहीं है। लोकतंत्र की शर्त होती है वहां पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उस सूचना का अधिकार हमको ट्रांसपेरेंसी देता है। लोकतंत्र की शर्त होती है कि सरकार जवाबदेह होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए। सूचना का अधिकार सरकार को जवाबदेह बनाता है, जब आप किसी प्रश्न पूछते हो तो वो जवाबदेह बन जाता है, उसको जवाब देना है, जवाब देने के लिए उसको अपनी ओर ध्यान देना पड़ता है, अपनी अनियमितताओं पर कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हमसे प्रश्न पूछा जाएगा हम क्या जवाब देंगे। तो जब आप किसी, जब आपको सरकार से पूछने का अधिकार दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार सरकार की जवाबदेही को तय कर दिया जाता है, सरकार नियंत्रित नियंत्रण में आ जाती है। और लोकतंत्र के लिए यह तो चाहिए पारदर्शिता चाहिए, जवाबदेहिता चाहिए। ठीक, सूचना ही ज्ञान है, सूचना के अधिकार से नागरिक ज्ञानी अवेयर हो जाता है, और अवेयर नागरिक को सरकार मनमाने तरीके से उसका उत्पीड़न नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो सिटीजन है वो अवेयर है, अलर्ट है। किस प्रकार से, किस प्रकार से लोकतंत्र को सुदृढ़ कर रहा है ये बात। ठीक, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो है अभिव्यक्ति की आजादी में व्यक्ति को अधिकार है, कोई निजी भवन में अपने अपने घरों में राष्ट्रध्वज को फहरा सकता है, क्योंकि ये उसकी राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादिता की अभिव्यक्ति है। तो निजी भवनों में राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार इसी के अंतर्गत है। लिख लीजिए, निजी भवनों में राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार। निजी भवनों में राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार। नेक्स्ट है धरना प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार। इस प्रकार से भी तो हम अभिव्यक्त करते हैं आपको, हमको सरकार की नीतियों से हमको असंतुष्टि है, सरकार की नीति को हम कई प्रकार से अपना विरोध प्रकट करेंगे ना, तो है धरना प्रदर्शन और विरोध का अधिकार। तो अभिव्यक्ति की आजादी में विरोध करने का भी आपको अधिकार दिया गया है, और ये कहीं लोकतंत्र नहीं है क्या? एक तानाशाही देश में आप विरोध कर सकते हो क्या? आप चीन में ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो साम्यवादी सरकार है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है, आपको विरोध का और या असहमति का अधिकार नहीं है। ये लोकतंत्र की विशेषता है कि वहां पर आपको असहमति का अधिकार होता है। हम सरकार से असहमत हैं, हम सरकार की आलोचना करते हैं, आलोचना का अधिकार। अभिव्यक्ति की आजादी में आपको आलोचना का अधिकार है, आपको विरोध का अधिकार है, आपको धरना देने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। लिखिए, आलोचना करने का अधिकार, आलोचना करने का अधिकार, असहमत होने का अधिकार,
हाँ तो वो अभी जब रिस्ट्रिक्शंस में आएंगे तो वहां पर इस चीज को बताएंगे। आलोचना करने का अधिकार, हम आप सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट नहीं है, आप उसको क्रिटिसाइज कीजिए, बताइए कि हमको मोदी सरकार से यहां पर यहां सहमति नहीं मिली कि सरकार ने जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित कर दिया, इतना पैसा खर्च किया, देश में इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं, वो योजना पैसा खर्च होना चाहिए था, उनके कल्याण होना चाहिए था। लोग आलोचना करते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, इसलिए करते हैं। लोकतंत्र ना होता कोई ऐसा बोल जाता सरकार के विरुद्ध, ठीक। सरकार ने कृषि कानून बनाए थे किसानों के लिए, लोकतंत्र है, जनता सड़कों पर आई, सरकार को कानून वापस लेने पड़े क्योंकि लोकतंत्र है। तो ये सब अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत गवर्न हो रहा है, उसके अंतर्गत सब कुछ आ रहे हैं। अभी तो आए थे सर ना, सर आए थे ना, अभी आ नहीं गए। अच्छा, हमको लगा भी थोड़ी देर पहले सर यहाँ अंदर आके चले गए, हमें ऐसा लगा। नहीं, वो तो आए थे, उनको तुमने देखा है। नहीं, वो सर नहीं, वो पीयूष सर, पीयूष सर। अच्छा, तो ये समझ आ गया ना, विरोध करने का अधिकार, आलोचना करने का अधिकार, और जो है, और जो है अभिव्यक्ति की आजादी में, मान लीजिए आयोजन किया जा रहा, बंद का आयोजन किया जा रहा है किसी संगठन के द्वारा, बंद का आयोजन किया जा रहा है, बंद का आह्वान किया जा रहा है कि आज भारत बंद रहेगा, आज प्रदेश बंद रहेगा, कोई संगठन, कोई जो है राजनीतिक पार्टी इस प्रकार का आह्वान कर रही है और आप उसमें शामिल नहीं होना चाहते हो, तो आपको बंद का विरोध करने का अधिकार है, माने बंद में शामिल ना होने का आपको अधिकार है। हम अपनी दुकान खुली रखेंगे, हम अपना संस्थान खुला रखेंगे, आप बंद का आह्वान कीजिए, हम नहीं मानते, ठीक। तो बंद के विरुद्ध जो है हड़ताल, हाँ उसको हड़ताल कह सकते हैं आप, बंद के विरुद्ध, बंद के विरुद्ध, नहीं वो अलग चीज है। बंद का आह्वान किया जाता है जिसे राजनीतिक पार्टी तो कहती है आज भारत बंद रहेगा, हाँ, बंद के आह्वान के विरुद्ध अधिकार, लिखिए बंद के आह्वान के विरुद्ध अधिकार। नहीं, कहाँ पुलिस पकड़ कर जाती है, दुकान खुल गया तो वो फिर वो बंद नहीं, वो अलग, अब लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद करना, आपने 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 अपनी दुकान खोल दी, तो यहाँ पर तो कार्रवाई की जाएगी ना। हाँ, तब नहीं होगा, तब नहीं कर सकती पुलिस। जो टेलीफोन, जो टेलीफोनिक टैपिंग होती है, इसके विरुद्ध अधिकार कि दो लोग अगर बातचीत कर रहे हैं फोन में, उसको आप टेप कर रहे हो, ठीक, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट है, हाँ, फोन में बातचीत को टेप किए जाने के विरुद्ध अधिकार। प्राइवेसी भी इसके अंतर्गत आ जाती है, प्राइवेसी आ जाती है। अभी टेलीफोनिक बातचीत को टेप किए जाने के विरुद्ध अधिकार, देखो हमें बोलने का अधिकार है, अगर हमें यह पता लग जाएगा कि हमारी बातें सुनी जा रही हैं या टेप की जा रही हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, ये हमारे जो है अभिव्यक्ति में लगाम नहीं लगा देगा। तो हमें संतुष्टि होनी चाहिए कि हम जो बातचीत कर रहे हैं उसको कोई टेप नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, ठीक। कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को टेप किए जाने के विरुद्ध अधिकार। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे बातचीत करते हैं तो सरकार जो है उनको टेप कर लेती है, ठीक है, सरकार उसको, सरकार को भी अधिकार नहीं है, कुछ खास परिस्थितियों में ही अधिकार है। हाँ, उसकी अपनी कुछ सीमा है, कुछ शर्तें हैं, सुनिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, भटकिए नहीं। नहीं, होता ये कि जो बातचीत हो रही है कोई तीसरा आउटसाइडर है, इस प्रकार के सिस्टम होते हैं, सरकार के पास सिस्टम होते हैं, सरकार के पास होते हैं इसी व्यवस्था कि वह बातचीत टेप कर लेती है।
मान लीजिए हम हम हमने बात टेप कर ली, ठीक, हमने इनकी बात टेप कर ली जो फोन बातें कर रही थी ये, अभी सुप्रीम कोर्ट चली गई कि जो है अजय साहब ने हमारी बातें टेप की हैं, सुप्रीम कोर्ट बताइए आपके साथ क्या व्यवहार करेगा, भगा देगा आपको, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको अजय के विरुद्ध नहीं मिला है, हम प्राइवेट इंडिविजुअल है, हम डीएम कानपुर नहीं है, हम कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, हम कानपुर यूनिवर्सिटी नहीं है, हम कोई संस्था नहीं है, हम एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, हमने आपके फोन की बात टेप की है, तो आप इसको जो है अपनी गोपनीयता के अन्य मामलों को लेकर आप जो है दूसरे निचले कोर्ट में जाइए, ये कौन होते हैं हमारी बातों को टेप करने वाले, लेकिन आप एज ए सुप्रीम कोर्ट चले जाए कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपको ऐसा कोई फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल के विरुद्ध दिया ही नहीं गया है भाई, तो जब आपका कोई ऐसा फंडामेंटल राइट सही नहीं तो आप सीधे मेरे पास कैसे आ गए, सुप्रीम कोर्ट में आप तब जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 जब आपका जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो और आपको प्राइवेट इंडिविजुअल के विरुद्ध कोई ऐसा फंडामेंटल राइट्स दिया ही नहीं गया, ये जो आपको अधिकार दिया गया है ये स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो अगर मान लीजिए मैंने किसी की प्राइवेट बातों को जो है टेप कर लिया तो हमने निश्चित रूप से एक इलीगल काम किया है, मगर इसके आधार पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के मामलों में ही जाओगे, और ये फंडामेंटल राइट्स आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में नहीं दिया गया है, ये स्टेट के अगेंस्ट में दिया गया, स्टेट ऐसा कोई काम नहीं करेगा, स्टेट जो है उसने कोई जो बंद का आह्वान किया है और आप जो है उसमें शामिल नहीं होना चाहते हो, आप जो है शामिल मत होइए, आप अपने को खुला रखिए, ठीक, ये है। इसके अलावा कुछ इसमें पॉइंट आप छोड़ दीजिए, अभी बहुत गुंजाइश इसमें जोड़ने की, ठीक है, तो इस लिस्ट को आप जो है अधूरा छोड़ दीजिए, फिर कोई बात याद आएगी हम आपसे नोट कराएंगे। देखिए ये हमको बोलने की आजादी दी गई है, मेनका गांधी का केस में ये बताया गया था कि आपको जो अपने आप को अभिव्यक्त करना है उसमें अभिव्यक्त करने में आपको इस बात का अधिकार है कि आप दूसरों से सूचना लीजिए, दूसरों के साथ अपने विचार का आदान प्रदान कीजिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, बात सुनिए, आप तो कहां भटक जाते हो, अभी सुप्रीम कोर्ट मामला ले जाके तो वहां पता करना पड़ेगा है कि नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे मामले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इस प्रकार से छोटे मामले, लेकिन आप फोटो खींच रहे हो तो आप जो है कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो ना, आप सरकार तो नहीं हो, ये मेन इस पॉइंट को याद रखिए कि ये अधिकार हमको स्टेट के अगेंस्ट में दिया गया है, ठीक, प्राइवेट इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है तो वो एक अलग घटना हो रही है, उसके लिए फिर दूसरी कोर्ट है, आप नॉर्मल कोर्ट पर जाइए, छोटे लोअर कोर्ट में आइए, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इतना प्रोटेक्शन दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में कि आप सीधे यू कैन डायरेक्टली मूव सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दे आर सो प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो भाई सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, इसे सुप्रीम कोर्ट को आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है, गारंटर कहा जाता है, ठीक, इसमें जो अभिव्यक्ति की आजादी है ये सिर्फ देश की सीमा के अंतर्गत सीमित नहीं है, देश के बाहर तक सीमित है, आपको विदेशों से सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है, यू हैव राइट टू गैदर इंफॉर्मेशन आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपको अपने आप को व्यक्त करने के लिए विदेशों तक अधिकार है, आप अपनी बात को भारत की सीमा के बाहर तक जो है अभिव्यक्त कर सकते हो, नहीं रोका जाएगा, तो अभिव्यक्ति की आजादी ना सिर्फ देश की सीमा तक है, मेनका गांधी केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी जो है देश की सीमाओं के परे जाती है, आप विदेशों से भी जो है सूचनाएं गैदर कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, और अपने विचारों को देश के बाहर भी आप जो है एक्सचेंज कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो, जो प्रेस की आजादी है, दिखाया समाचार पत्र की आजादी है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, प्रेस की आजादी, देखिए समाचार पत्रों की आजादी, प्रेस की आजादी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेस की आजादी, समाचार पत्रों की आजादी, दिस आजादी अवेलेबल नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी बट ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी,
जो प्रेस की आजादी दी गई है, इस आजादी में ये कहा गया है कि इस बात की अकेले आजादी नहीं होगी कि आपको कितने अपने आपका सर्कुलेशन कितना होगा, कितने आप जो है कहाँ कहाँ आप प्रसार करोगे, ये तो होगा। इस पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी कि आपसे इसके बाहर आपका प्रसार नहीं होना चाहिए, इतने से ज्यादा आपकी कॉपियां नहीं छपनी चाहिए। क्वांटिटी में कोई रोक टोक नहीं है, क्वांटिटी के साथ साथ उसके कंटेंट में। पहले आपने जो अपना पूरा सामग्री तैयार की है सरकार को भेजी जाती थी, सरकार उसके बाद पढ़ती थी, और पढ़ने के बाद तब आप छापोगे, तब आपका सर्कुलेशन निकलेगा, तब आपकी जो प्रिंटिंग शुरू की जाएगी। उसको कहते हैं प्री सेंसरशिप, उसको कहते हैं प्री सेंसरशिप कि आप जो कुछ छापने जा रहे हो, जो कुछ लिखकर प्रेस के द्वारा आप जनता को बताने जा रहे हो, पहले मुझे दिखा दो। अंग्रेजी हुकूमत ऐसा करती थी, तो पहले उनको दिखाया जाता था कि ये कुछ हम लिखेंगे, ये छाप कर हम निकालेंगे, दिखती थी, देखने बाद उसमें संशोधन करती थी, अगर उसको रखता था काटती थी, ये आप नहीं लिख सकते, उसके बाद अब आप निकालो। तो प्रेस की आजादी में प्री सेंसरशिप के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है कि सरकार प्रेस पर कोई प्री सेंसरशिप नहीं लगाएगी। ठीक, लिख लीजिए, यहां पर कुछ प्रकाश लिखिए, देखिए, ध्यान दीजिए, संविधान ने एक बार नहीं कहा कि प्रेस की आजादी हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है, संविधान ने एक बार नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है आज प्रेस की आजादी संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत निहित मानी गई है। ठीक, तो लिखिए, पहला चेंज करके लिखिए, प्रेस की आजादी का संविधान में उल्लेख नहीं है, प्रेस की आजादी का संविधान में उल्लेख नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। इट इज इंप्लाइड इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, माने उसमें समाई हुई है। भले संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है, संविधान निर्माताओं ने ऐसा कोई स्पष्ट हमको अधिकार नहीं दिया, मगर ये अधिकार जो है उसमें शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, अभिव्यक्ति की आजादी, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का विस्तार देश की सीमाओं से परे जाता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार न सिर्फ देश की सीमा के अंतर्गत बल्कि इसके परे तक जाता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार न सिर्फ देश की सीमाओं तक वरन इसके परे जाता है। बात समझ में आ गई ना, बताइए क्या इसका अर्थ है। आज जो है आज अभिव्यक्ति की आजादी में आज जो ये ब्लॉग है, ये